समय संभाल लो यारो, समय बड़ा अनमोल। पब्लिक स्पीकिंग की ABCD में आज हम देखेंगे सी। सी यानी केयर ऑफ ऑडियंस एंड केयर ऑफ टाइम। चलो ना यार घर चलते हैं, चलो ना थोड़ा मोबाइल खेल लेते हैं, चलो ना यार थोड़ी बातें कर लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके बारे में ऐसा सोचे? नहीं तो आज की टिप्स आपके लिए है। पब्लिक स्पीकिंग की ABCD में आज हम देखेंगे सी। सी यानी कि केयर ऑफ ऑडियंस एंड केयर ऑफ टाइम। उनमें से पहली टिप है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने हमारी स्पीच के लिए बहुत प्रिपरेशन की है, हमारे कंटेंट के लिए प्रिपरेशन की है, पर क्या हमने कभी ऑडियंस की ओर से कभी सोचा? नहीं तो आज हम वो टिप देखेंगे। उनमें से पहली टिप है कंप्लीट बिफोर ऑडियंस गेट बोर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी स्पीच में इतना मजा आ जाता है कि हम हमारी स्पीच चालू ही रखते हैं, अगर ये सोचे कि ऑडियंस को मजा आ रहा है कि नहीं। कई बार याद रखना है कि हमें 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जब तक जहाँ तक हमें बोलने के लिए जितना समय मिला है, 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट, वो समय से पहले हमें हमारी स्पीच कंप्लीट करनी है। हाँ, कोई ऐसा आपको नहीं बोलेगा कि आपका समय हो गया है, हमें ही वो टाइम मैनेजमेंट करना रहेगा। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति 10 मिनट में अपनी बात सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो 30 मिनट में भी वो बात कन्विंस नहीं कर सकता। तो हमें हमारा समय कंप्लीट हो जाए उससे पहले ही हमारी स्पीच पूरी करनी है। अगर वो आप पूरा करते हैं तो क्या होगा आपको पता है? ऑडियंस को आपके लिए रिस्पेक्ट होगी कि ये टाइम मैनेजमेंट में पक्का है, और जो इम्प्रेशन हमने अब तक बनाई हुई है वो इम्प्रेशन बरकरार रहेगी। टिप नंबर 2, बिफोर सब्जेक्ट गेट टू मच स्ट्रेच। कई बार हमें लगता है कि एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग मुहावरे के साथ, अलग अलग घटनाओं के साथ हम पेश करते हैं, लोगों को मजा आ जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस को लगता है कि भाई अब हमें पता चल गया है, आप धीरज रखें तो अच्छा है, आप अब आगे बढ़े तो अच्छा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी स्पीच कहीं हमारा सब्जेक्ट टू मच स्ट्रेच तो नहीं हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट प्रिसाइज बातें रखकर हमें आगे बढ़ना है। तीसरी टिप है बिफोर ऑडियंस गेट बोर्ड। जिसके लिए हम आए हैं उनको ही अगर मजा नहीं आ रहा, वो ही लोग बोल रहे हैं, तो हमारी स्पीच का मतलब क्या? फ्रेंड्स, हमें पता है कि महान क्रिकेटर धोनी और जापान के प्रधानमंत्री आबे जी ने भी समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था, तो हम क्यों राह देखते हैं ऑडियंस को बोर होने की? हमें उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई मोबाइल में खेल रहा है, कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी स्पीच खींच रही है, तो हमें ऑडियंस बोर हो जाए उससे पहले ही कंप्लीट करना है। ये हमें याद रखना है, ऑडियंस हमें बिठा दे उससे पहले हमें खुद हमारी जगह पर बैठ जाना है। और दूसरी बात, जब अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं और ऑडियंस को तालियां बजाने का मन होता है, उस समय भी हमें थोड़ी सेकंड्स का पॉज देना चाहिए ऑडियंस को, हाँ क्लैपिंग करने के लिए। पर हमें वो भी याद रखना है, कई बार ऑडियंस की क्लैपिंग दो तरह की होती है, कई बार हमको अप्रिसिएट करने के लिए और कई बार हमको चुप करने के लिए, भाई अब बहुत हो गया, आप अपनी जगह पर जाइए। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि ये क्लैपिंग किसके लिए है। हमारी क्लैपिंग पहले कारण की वजह से होनी चाहिए, आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 3 टिप देखी। पहली टिप कंप्लीट बिफोर टाइम, सेकंड टिप बिफोर सब्जेक्ट गेट टू मच स्ट्रेच हमें कंप्लीट करना है, और तीसरी टिप बिफोर ऑडियंस गेट बोर्ड हमें कंप्लीट करना है। समय ऐसी चीज है कि अगर समय के साथ हम चल दिए तो लोगों के दिल में उतर जाएंगे, अगर हमने समय को पीछे छोड़ दिया तो हम लोगों के दिल से उतर जाएंगे।
लोगों के दिल में उतरना है या दिल से उतरना है, वो हमें तय करना है। फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग हो या इंटरव्यू एटीट्यूड हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस हम आने वाले वीडियो सीरीज में जरूर देंगे। आप इस दौर में हम मिला करेंगे आपके साथ, पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड कई ऐसी बात शेयर किया करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो के साथ, तब तक अलविदा। हमें याद रखना है अब एक्सप्रेस करना है आसान, क्योंकि यूथ एक्सप्रेस है आपके साथ। फ्रेंड्स, हमें सिर्फ अकेले सीखकर चुप नहीं रहना है। अगर आप चाहते हो कि जो पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही है वो आपके फ्रेंड्स की हो, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करें।